नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियों की, फिर बात करेंगे हरियाणा की खास खबरों की। एक बार फिर लगा दिल्ली के सीएम को झटका। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल की जमानत 5 सितंबर तक के लिए और टली। आज यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी, हुआ जोरदार स्वागत, राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी सीईसी की मीटिंग से पहले हुई अहम बैठक। यूपी की बस नेपाल में नदी में जा गिरी, 14 यात्रियों की हुई मौत, बस में 40 लोग थे सवार। पोरखा से काठमांडू जाते समय हुआ हादसा। एमपी के महू में छत गिरी, 5 लोगों की हुई मौत, 3 जेसीबी से निकाले गए शव। अनिल अंबानी के शेयर बाजार से 5 साल के लिए बैन, साथ ही 25 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। शेयर्स में 14% तक की रही गिरावट। बात करें मौसम की तो मथुरा में बाढ़ के हालात, सड़कें धसी तो वहीं त्रिपुरा में सेना ने 330 लोगों को बचाया। राजस्थान के 26 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी। तो ये थी दिनभर की कुछ ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। अंबाला छावनी विधानसभा सीट प्रदेश की हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। दरअसल हरियाणा के पूर्व गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री, जो यहां से 6 बार विधायक रहे हैं, वे लगातार पिछले 3 चुनाव जीतकर हैट्रिक बना चुके हैं। आपको बता दें, 7वीं बार उनके सामने साख बचाने की बड़ी चुनौती है। इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। इनेलो बसपा भी इस बार प्रत्याशी उतारेगी। आपको ये भी बताते चलें कि कांग्रेस ने टिकटों को लेकर अभी घमासान मचाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा की नज़दीकियों में टिकट लेने की होड़ लगी है। इनमें पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा भी लाइन में है। निर्मल सिंह परिवार हुड्डा के नज़दीकी माने जाते हैं और अब देखना होगा कि किसकी नज़दीकियों का किसे फायदा मिलेगा, ये टिकट बंटवारे के बाद पता चलेगा। हालांकि इन तीनों के अलावा भी 11 लोग और हैं जो टिकट की लाइन में लगे हुए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में अभी कोई गठबंधन नहीं है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के शीर्ष नेताओं ने गठबंधन से इनकार किया है। वहीं गुरुवार को जींद में अपने कार्यालय में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जसपा हरियाणा में सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो वहीं अभी तक आम आदमी पार्टी के साथ किसी तरह के कोई गठबंधन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि वैसे भी आपका गठबंधन कांग्रेस के साथ है, तो जसपा के साथ कैसे होगा। वहीं फतेहाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने कहा कि जसपा के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं होगा। जसपा नेताओं को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपके कार्यकर्ता डोर टू डोर जाकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दी गई गारंटियों को हरियाणा की जनता तक पहुंचाएंगे। इस चुनाव में केजरीवाल की गारंटी आपकी जीत का आधार बनेगी। वहीं संदीप पाठक ने सत्तारूढ़ भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर भाजपा का कार्यकाल सही रहा होता तो चुनावी साल में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दरअसल कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि मैं विधायक इसलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि मेरा कद अब बड़ा है। मैं किसी अधिकारी के दफ्तर में फाइल लेकर नहीं जा सकता। यहाँ मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरा स्वाभिमान है। वहीं कुलदीप ने कहा कि मैंने इसीलिए आदमपुर को भव्य बिश्नोई को सौंपा है और उसने मेरी उम्मीद के मुताबिक काम किया है। साथ ही कुलदीप ने कहा कि भव्य ने अब तक आदमपुर में 1.5 साल में 800 करोड़ के काम कराए हैं। आदमपुर में एक नहीं बल्कि 2 विधायक हैं। कुलदीप ने कहा कि वह भाजपा में आने के बाद भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। साथ ही कहा कि मैं हमेशा मुख्यमंत्री पद का दावेदार रहूंगा। पता नहीं किस्मत कब पलटी मार जाए। बताते चलें कि कुलदीप बिश्नोई का दावा इसलिए भी अहम है क्योंकि भाजपा ने सीएम नायब सैनी की अगुवाई में ये विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। भाजपा की 21 सदस्यीय चुनाव समिति की 2 दिवसीय बैठक वीरवार शाम गुरुवार को शुरू हो गई। बैठक का मकसद सभी 90 विधानसभा सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा कर पैनल तैयार करना है। पहले दिन बैठक में गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों को अलग अलग बुलाकर समिति के पदाधिकारियों की मौजूदगी में चर्चा की गई। बाकी जिलों पर चर्चा शुक्रवार को की जाएगी। उसके बाद हर विधानसभा सीट का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 25 अगस्त को प्रस्तावित है। इस बैठक में
पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत अन्य बड़े नेता हिस्सा लेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री व हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सोदान सिंह, चुनाव प्रबंधक समिति संयोजक कुलदीप बिश्नोई, प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया, सह प्रभारी समेत अन्य भाजपा नेता शामिल रहेंगे। वहीं बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में अगस्त महीने में मानसून लगातार सक्रिय है। हर दिन किसी ना किसी जिले में बारिश हो रही है। वहीं कैथल, करनाल, पानीपत, जींद और कुरुक्षेत्र में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। बता दें कि मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। नेशनल हाईवे जीटी रोड पर 1 फीट तक पानी भर गया है। बारिश का आलम यह है कि पानीपत में खड़ी कारों पर दीवारें गिर गई हैं। हरियाणा में अगस्त महीने में 33% से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून अब थोड़ा कमजोर पड़ गया है, लेकिन इसके बावजूद बारिश जारी रहेगी। हरियाणा के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य जिलों में बारिश हो सकती है। आपको ये भी बताते चले कि 26 अगस्त के बाद उत्तरी जिलों में मानसून फिर से जोर पकड़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 28 अगस्त तक प्रदेश में मौसम में बदलाव होने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।